अभी विराट कोहली को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एक बेहद ही हाई वोल्टेज मुकाबले में अपने बल्ले के दम पर जीत दिलाने वाले विराट कोहली की तारीफ करते हुए उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा बेहद भावुक नजर आई। उनकी तारीफों में कसीदे पढ़ते हुए जिस तरीके से उनके आलोचकों को करारा जवाब दिया है, सच में उनकी बातें सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। अगर आपको भी जानना है कि क्या कहा है विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा ने, तो हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, आपको क्या लगता है विराट कोहली और हार्दिक पांड्या में से कौन है खतरनाक खिलाड़ी? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आखिरकार विराट कोहली अपने फॉर्म में लौट ही आए। जी हाँ, गुजरात के खिलाफ जैसी बल्लेबाजी विराट कोहली ने की, उनकी ऐसी बल्लेबाजी देखकर काफी अरसा हो गया था। बता दें कि हार्दिक पांड्या की पारी पर विराट की बल्लेबाजी भारी पड़ी। पहली पारी में बल्लेबाजी करते हुए गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या ने शानदार 62 रन बनाए थे और उनको यही उम्मीद थी कि उनके इस प्रदर्शन से वो अपनी टीम को जीत दिला देंगे। पर दोस्तों, पिछले काफी समय से अपने फॉर्म से जूझते हुए विराट आज मैदान पर कुछ और ही सोचकर उतरे थे। अपने आलोचकों को करारा जवाब देते हुए दुनिया के इस महान खिलाड़ी ने यह बताया कि अभी उनके काफी क्रिकेट उनमें बचा हुआ है। 73 रनों की अपनी पारी में विराट ने 8 शानदार चौके लगाए तो वहीं 2 खूबसूरत छक्के भी लगाए। राशिद खान की गेंद पर लगाया गया उनका एक छक्का पूरी पारी का आकर्षण का केंद्र रहा। जी हाँ, जिस तरीके से सिर को नीचे झुकाए हुए विराट ये शॉट को अंजाम दे रहे थे, उसे देखकर सच में आप भी खिलाड़ी को दिल से सलाम करोगे। वहीं आखिरी ओवरों में केवल 18 गेंदों में 40 रन बनाते हुए ग्लेन मैक्सवेल ने आरसीबी को 8 गेंद शेष रहते ही जीत दिला दी और इस जीत के साथ बैंगलोर की प्लेऑफ की उम्मीदें अभी भी बरकरार हैं। वहीं विराट कोहली के शानदार प्रदर्शन पर उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा है कि जब किसी का खराब वक्त चलता है तो उस दौरान कोई भी व्यक्ति उसका साथ नहीं देता है। विराट फॉर्म में आ चुके हैं तो पूरी दुनिया उनकी तारीफ करेगी। मुझे पता है वो खराब फॉर्म में किस तरीके से अपने आप को शांत रखा करते थे। वो जब 0 पे आउट हुए थे तब वो अपने आप पर हंस रहे थे क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो पा रहा था कि वो ऐसी बल्लेबाजी कैसे कर सकते हैं, और आज उनको फॉर्म में वापसी देखते हुए दिल को सुकून मिला है। ये बात तो मुझे पहले से ही पता थी कि वो जल्द ही कुछ बड़ा करने वाले हैं। अभी तो ये शुरुआत है। विराट ने वापसी कर ली है और एक बार फिर से दुनिया उनके बल्ले का तूफान देखेगी। दोस्तों, जिस तरीके से विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा ने उनको लेकर अपनी बातें कही है, कहीं ना कहीं उनके अंदर भी विराट के आलोचकों को लेकर काफी गुस्सा था और उन्होंने अपने इस बयान में विराट के आलोचकों को करारा जवाब दिया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है साल 2022 के आईपीएल में विराट कोहली की आरसीबी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।